बच्चों, साइंस का नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो देखिए, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल में हम अलग अलग पढ़ेंगे। मेटल की प्रॉपर्टी अलग पढ़ेंगे, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी अलग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, अगर हम किसी भी मेटल की रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ में, तो वो क्या फॉर्म बनाएगा? मेटल ऑक्साइड। क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल, आयरन है, एफ ई है ना, आयरन की रिएक्ट करवाया ऑक्सीजन साथ में, तो वो बनाएगा एफ ई ओ, मीन्स आयरन ऑक्साइड की फॉर्म बना लेगा। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को रिएक्ट करवाया ऑक्सीजन के साथ में, तो ये क्या बनाएगा? ये देखिए बच्चों, ये क्या बनाएगा? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है, व्हेन कॉपर वेसल्स इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग टाइम, अगर हम कॉपर के वेसल्स को हम लंबे टाइम तक मॉइस्चर में, एयर में रख देते हैं, तो उस पर ग्रीन कोटिंग आ जाती है, एक डलनेस आ जाती है ग्रीन कोटिंग की। जो ग्रीन कोटिंग का मटेरियल है, जो ग्रीन कोटिंग का मटेरियल है बच्चों, वो क्या है? कॉपर हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? कॉपर हाइड्रोक्साइड होगा, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन कैसे होगी? ग्रीन मटेरियल इज ए मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट, इन दोनों का मिक्सचर है, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसको अगर हमें रिएक्ट करवाना है, कैसे रिएक्शन कराएंगे? टू मोल लेंगे हम किसके? कॉपर के। और एयर जो है, एयर के मॉइस्चर में क्या क्या प्रेजेंस होता है? H2O, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो ये रिएक्ट करेगा, तो ये बना इससे CuOH की ट्वाइस और CuCO3। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखें। क्या बनेगा? कॉपर हाइड्रोक्साइड और दूसरा बनेगा कॉपर कार्बोनेट। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है द नेम प्रोडक्ट फ्रॉम द रिएक्ट विद सल्फर एंड ऑक्सीजन एंड सल्फर डाइऑक्साइड, व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व इन वाटर तो सल्फ्यूरस एसिड टू फॉर्म। ये कह रहा है कि अगर अपन सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर के साथ में रिएक्ट करवाते हैं, तो ये क्या बनाता है? एसिड बनाता है बच्चों। क्यों बनाएगा? अब देखिए, यहाँ ये जो SO2 है और वाटर का मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला होता है H2O, SO2 हमेशा किस में चेंज होता है? SO2 चेंज होगा SO3 में। ओके, किस में होगा? SO3 में। अब जब ये SO3 में चेंज होगा, तो यहाँ देखिए हमारे पास SO2 है और यहाँ क्या है, किस में चेंज करना है? SO3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करें, इसको SO3 में चेंज करें। ये SO3 में हुआ और क्या हुआ? हाइड्रोजन। तो ये क्या आ गया? एसिड आ गया। कौन सा एसिड है? सल्फ्यूरस एसिड। कैसे पता लगा बच्चों ये एसिड है? तो देखिए, जितने भी एसिड होते हैं वो क्या देते हैं? H+ देते हैं। क्या देते हैं? H+। कैसे? जैसे HCl हमारा एसिड है, वो क्या देगा? H+Cl-। तो क्या दे रहा है बच्चों? H+ दे रहा है, मीन्स ये एसिड है। नेक्स्ट देखिए, H2SO3 में क्या है बच्चों? H2 अगर मैं इसको ब्रेक करूं, तो बच्चों क्या बनेगा? ये बनेगा 2H+SO3। तो देखिए बच्चों, क्या दे रहा है? ये H+ दे रहा है, मीन्स ये क्या है? एसिड है। ओके बच्चों, तो ये ध्यान रखें, एसिड का कैसे पता चलेगा कि एसिड है? जो H+ देते हैं वो एसिड होते हैं। नेक्स्ट है, द सल्फ्यूरस एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। क्या कर देगा? रेड कर देगा बच्चों। देखो, एक लिटमस पेपर होता है जो क्या करता है, हमें एसिड और बेस को बताता है कि ये एसिड है या बेस है। अगर मान लो मैंने आपको दो टेस्ट ट्यूब दे दी, एक टेस्ट ट्यूब में एसिड का सॉल्यूशन है, एक टेस्ट ट्यूब में बेस का सॉल्यूशन। अब जो बेस कौन सा होता है? जो OH क्या देगा? जो क्या दे? OH नेगेटिव दे, वो बेस होता है। फॉर एग्जांपल, कैसे हुआ? NaOH। तो ये क्या दे रहा है बच्चों? OH दे रहा है, तो ये क्या होगा? बेस होगा, ठीक है। अब चेक कैसे करते हैं हम कि ये एसिड होता है, बेस होता है? अगर रेड कलर के लिटमस पेपर को अगर हम किसी सॉल्यूशन में डालते हैं और वो हो जाता है कौन से कलर का बच्चों? ब्लू कलर का। अगर रेड कलर के लिटमस पेपर ब्लू कलर का हो जाता है, तो वो सॉल्यूशन कौन सा होगा? हमारा बेसिक सॉल्यूशन होगा। कौन सा होगा? बेसिक सॉल्यूशन होगा। कौन सा होगा? बेसिक सॉल्यूशन होगा। ओके बच्चों, अगर वो सॉल्यूशन, अगर हम ब्लू लिटमस पेपर को सॉल्यूशन में डालते और वो हो जाए रेड,
तो बच्चों वो सॉल्यूशन कौन सा होगा? एसिडिक सॉल्यूशन होगा। कौन सा सॉल्यूशन होगा? एसिडिक सॉल्यूशन होगा। ओके बच्चों, आज एसिड बेस के बारे में हमने पढ़ा कि एसिड बेस कौन सा होता है, ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, थैंक यू।